गुड मॉर्निंग थर्ड स्टैंडर्ड स्टूडेंट बच्चों, हम जोड़ाक्षर अभ्यास एक, जोड़ाक्षर अभ्यास दो, ये हमने पिछले पीरियड में हमने देख लिया था। अब हम देखेंगे जोड़ाक्षर अभ्यास तीन। जोड़ाक्षर अभ्यास किसे कहते हैं बच्चों? जोड़कर आए हुए शब्दों को जोड़ाक्षर अभ्यास कहते हैं। तो बच्चों, आज का हमारा तीसरा पार्ट जो है जोड़ाक्षर अभ्यास तीन, पार्ट नंबर बारह। तो मैं ये पार्ट आपको पढ़कर सुनाती हूँ, समझाती हूँ और इसके प्रश्न और उत्तर भी मैं आपको बताती हूँ। ओके, तो जोड़ाक्षर अभ्यास तीन पार्ट नंबर बारह। यहाँ देखो बच्चों, कुछ यहाँ चित्र दिए हैं और इन चित्रों के आधार पर हमें क्या करना है, उनके नाम देखना है। उनके नाम यहाँ पर है तो हमें उनका नाम देखना है, ठीक है? तो बच्चों, पहला चित्र जो है वो क्या है, क्या है बच्चों? सर्प, मिर्च, दर्द, मुर्गा। तो यहाँ क्या है? सर्प यानी स्नेक, मिर्च चिली, दर्द पेन, मुर्गा कॉ। तो बच्चों, यहाँ पर ऊपर जो है वो उसे क्या कहते हैं? यहाँ देखो, ये सर्प, प के ऊपर क्या है? प के ऊपर क्या है? रेफ। ये जो चिन्ह देख रहे हो यहाँ, इसे क्या कहते हैं? रेफ कहते हैं, रेफ, ठीक है? तो ये सारे देखो रेफ के शब्द है। जैसे कि सर्प, प के ऊपर रेफ है, च के ऊपर रेफ है, द के ऊपर रेफ है, ग के ऊपर रेफ है। यानी हम ये जो यहाँ पर चित्र है तो वो सारे रेफ के शब्द है। यहाँ सर्प, मिर्च, दर्द, मुर्गा, तो ये रेफ इसे कहते हैं, रेफ। ओके, तो हमने पहले भी ये पढ़ा था बच्चों, आपको याद आया है कि नहीं? देखो, आया है ना? ओके, तो बच्चों हम पाठ पढ़ते हैं। हमारे देश को भारतवर्ष कहते हैं, हमारे देश को भारतवर्ष कहते हैं, हमारी जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है, हमारी जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है, भारत माता की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, भारत माता की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, हमारे देश में सभी धर्मों को समान माना जाता है, हमारे देश में सभी धर्मों को समान माना जाता है, हमें हमारे भारतीय होने पर गर्व है, हमें हमारे भारतीय होने पर गर्व है। तो बच्चों, इस पार्ट में जैसे कि यहाँ रेफ वाले शब्द हमने देखे हैं ना, ये, तो इस पार्ट में भी है। कहाँ पर? भारतवर्ष, श के ऊपर रेफ है, स्वर्ग, ग के ऊपर रेफ है, कर्तव्य, त के ऊपर रेफ है, और गर्व, व के ऊपर रेफ है, धर्मो, म के ऊपर रेफ है। तो ये सारे रेफ वाले शब्द यहाँ पर हमने देख लिए, उसी के आधार पर ये पाठ बना था और ये पाठ हमने अभी पढ़ लिया है। अभी हम देखेंगे प्रश्न और उत्तर। स्वाध्याय में देखो बच्चों, पहला प्रश्न है पढ़िए और लिखिए, रीड एंड राइट। पहला क्या है? मेंढक टर टर कर रहे हैं, मेंढक टर टर कर रहे हैं। यहाँ देखो टर टर, ये रेफ वाले शब्द है। उनकी बोली कर्कश है, उनकी बोली कर्कश है, कर्कश, क के ऊपर रेफ है। स्वार्थी व्यक्ति को पहचानो, स्वार्थी, थ के ऊपर रेफ है। अर्जुन धनुर्विद्या में बेजोड़ थे, अर्जुन, यहाँ ज के ऊपर रेफ है। हर्ष की बातों में कोई अर्थ नहीं, हर्ष, श के ऊपर क्या है? रेफ है। तो यही शब्द आपको पढ़ना है और लिखना है। प्रश्न दूसरा, पाठ में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए, पाठ में से उचित शब्द चुनकर
रिक्त स्थान भरना है. फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द लेसन. यहाँ देखो, हमारी डॉट डॉट स्वर्ग से भी महान है. हमारी क्या? हमारी जन्मभूमि. हमारी जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है. यहाँ रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आता है? जन्मभूमि. ये मैंने दिया था, आपको याद है? हमारी जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है. दो नंबर, हमारे देश में सभी डॉट डॉट को समान माना जाता है. किसे? धर्मों को. हमारे देश में सभी धर्मों को समान माना जाता है. रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आता है? धर्मों. ओके, ये रिक्त स्थान हो गए. अब हम देखेंगे प्रश्न तीसरा. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. पहला प्रश्न, हमारे देश को क्या कहा है? हमारे देश को क्या कहा है? हमारे देश को भारतवर्ष कहा है. हमारे देश को भारतवर्ष कहा है. प्रश्न दूसरा, हमारा क्या कर्तव्य है? हमारा क्या कर्तव्य है? भारत माता की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है. भारत माता की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है. तीन नंबर, हमें किस बात पर गर्व है? हमें किस बात पर गर्व है? हमें हमारे भारतीय होने पर गर्व है. हमें हमारे भारतीय होने पर गर्व है. ओके, तो बच्चों ये प्रश्न दूसरा हो गया, प्रश्न तीसरा हो गया. प्रश्न चौथा क्या है? पाठ में आए रेफ वाले शब्दों को अधोरेखांकित कीजिए. अंडरलाइन द रेफ वर्ड्स इन द लेसन. हमारे पाठ में जो रेफ वाले शब्द है उसे क्या करना है? अधोरेखांकित करना है. जब मैं पढ़ रही थी तो मैंने अधोरेखांकित किया है. कौन कौन से शब्दों पर मैंने अधोरेखांकित किया है बच्चों? भारतवर्ष, स्वर्ग, कर्तव्य, धर्मो, गर्व. इतने शब्दों पर मैंने अधोरेखांकित किया है. ओके, प्रश्न पांचवा क्या है? अपने राष्ट्रध्वज के रंगों के नाम लिखिए. अपने राष्ट्रध्वज के रंगों के नाम लिखिए. हमारे राष्ट्रध्वज में कितने रंग है बच्चों? तीन. कितने? तीन. पहला है कौन सा? केसरिया, सफ़ेद और हरा. केसरिया, सफ़ेद और हरा हमारे राष्ट्रध्वज के रंगों के नाम. अपने राष्ट्रगीत को याद कीजिए. जब आप स्कूल आते थे तो बच्चों हम राष्ट्रगीत जब तुम स्कूल आते हो तो आते थे तो हम राष्ट्रगीत तो गाते थे ना, याद है आपको? जन गण मन. हाँ, इसे क्या कहते हैं? नेशनल एंथम, पता है ना? तो आप इसे याद करो. ठीक है, तो बच्चों जोड़ाक्षर अभ्यास तीन आज हमने देख लिया है. अब हम देखेंगे जोड़ाक्षर अभ्यास चार. तो बच्चों पान नंबर 14 निकालिए. पान नंबर 14 जोड़ाक्षर अभ्यास चार को देखिए. जोड़ाक्षर अभ्यास चार को तो यहाँ कुछ दो ही क्या दिए हैं? चित्र दिए हैं. इन दो चित्रों में बच्चों यहाँ क्या है? ये ड्रम, इसे क्या कहते हैं? ड्रम. और ये क्या है? प्रताप यानी वाटरफॉल्स, प्रताप. तो बच्चों जैसे हमने जोड़ाक्षर अभ्यास तीन में रेफ के शब्द देखे, रेफ का पार्ट देखा, तो यहाँ पर भी यहाँ ड्रम, ये ड के नीचे जो दिया है ऐसे किया है, तो इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं बच्चों? इसे क्या कहते हैं? पदेन. इसे क्या कहते हैं? पदेन. और इसे भी क्या कहते हैं? ये जो ऐसे किया है ना,
क्योंकि ये प के यहाँ पर थोड़ा सा पैर ऐसे हुआ है, तो इसे भी क्या कहते हैं, पदेन। इसे क्या कहते हैं, पदेन। ठीक है, तो जैसे हमने रेफ वाले शब्द देखे, तो इस पार्ट में भी हमें पदेन के शब्द देखने हैं, पदेन के शब्द देखने हैं। जैसे कि इस शब्द में ये देखो, ये ड्रम, ड के नीचे ये पदेन दिया है, प्रताप यानी वाटरफॉल, यहाँ प के यहाँ पर ये क्या है, ये चिन्ह दिया है, इसे भी पदेन कहते हैं। तो बच्चों हम क्या करेंगे कि हमें ये पाठ पढ़ना है। प्रताप मेरा मित्र है, उसका हृदय निर्मल है, उसका हृदय निर्मल और स्वच्छ है, वह रोज़ बड़ों को प्रणाम करता है, बहन श्रेया भी आस्तिक है, आश्रेया का व्रत है, वह प्रभु की प्रार्थना कर रही है, वह चंद्रोदय के बाद खाना खाएगी, सब्र का फल मीठा होता है, प्रतिदिन की प्रार्थना उसके मन को पवित्र और प्रसन्न कर देती है, श्रेया ग्रहण के समय भी पूजा करती है। तो यहाँ देखो बच्चों कि यहाँ पदेन के कुछ शब्द है, कौन कौन से, यहाँ देखो प्रताप, निर्मल, ये रेफ के शब्द है। हमें सिर्फ पदेन के चाहिए, पदेन, ये और ये पदेन के चिन्ह, प्रणाम, व्रत, प्रभु, प्रार्थना, चंद्रोदय, सब्र, प्रतिदिन, प्रार्थना, प्रसन्न, ग्रहण, इतने शब्द पदेन के आ गए हैं हमारे पाठ में। तो बच्चों ये जो हमारा पाठ है जोड़ाक्षर अभ्यास चार, इसमें पदेन के जो शब्द है उसे हमने अधोरेखांकित कर लिया है। तो पाठ समझ में आ गया बच्चों कि प्रताप नाम का क्या है, एक मित्र है और उसका हृदय निर्मल और स्वच्छ है, वो बड़ों को क्या करता है, प्रणाम करता है, ये देख रहे हो। बहन श्रेया आस्तिक है, आस्तिक यानी क्या, वो भगवान को पूजा करती है, उसे भगवान को भगवान की पूजा करना उसे पसंद है। आश्रेया का व्रत है, व्रत यानी उपवास है, और वो क्या करेगी, प्रभु की प्रार्थना करेगी और चंद्रोदय के बाद वो खाना खाएगी। सब्र का फल मीठा होता है, प्रतिदिन की प्रार्थना उसके मन को पवित्र और प्रसन्न कर देती है, श्रेया को हर रोज़, प्रतिदिन यानी हर रोज़ की प्रार्थना उसके मन को पवित्र और प्रसन्न कर देती है, श्रेया ग्रहण के समय भी पूजा करती है। ठीक है, ये पाठ होने के बाद देखेंगे प्रश्न और उत्तर। यहाँ देखो बच्चों स्वाध्याय, स्वाध्याय में क्या है, पढ़िए और लिखिए, रीड एंड राइट। तो बच्चों यहाँ देखो, शास्त्री जी राष्ट्रप्रेमी व्यक्ति थे, शास्त्री जी राष्ट्रप्रेमी व्यक्ति थे, जैसे कि हमें ये पढ़ना भी है और लिखना भी है। राष्ट्रप्रेमी, यहाँ पदेन का शब्द है। प्रभु कृपा के बिना जीवन सार्थक नहीं होता, प्रभु कृपा के बिना जीवन सार्थक नहीं होता, यहाँ पदेन का शब्द है। सप्ताह के एक दिन व्रत करो, व्रत, यहाँ व्रत करने से प्रकृति अच्छी रहती है, यहाँ देखो यहाँ एक का और यहाँ एक, ये क्या है, पदेन के शब्द है। पृथ्वी गोल है, ये रेफ का शब्द है। प्रतिदिन गृह कार्य पूर्ण करो, प्रतिदिन, ये पदेन का शब्द है, ये रेफ का शब्द है। तो हमें ऐसे ये क्या करना है, पढ़ना भी है और लिखना भी है। ओके, इस पाठ में बच्चों दो ही प्रश्न है, दो ही प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। जैसे कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मेरे मित्र का नाम क्या है, मेरे मित्र का नाम प्रताप है, मेरे मित्र का नाम प्रताप है। श्रेया क्या कर रही है, श्रेया क्या कर रही है, श्रेया प्रभु की प्रार्थना कर रही है, श्रेया प्रभु की प्रार्थना कर रही है। ओके,
तो बच्चों प्रश्न तीसरा क्या है, निम्नलिखित शब्द वर्ण क्रमानुसार लिखे, राइट द फॉलोइंग वर्ड्स इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो यहाँ हम क्या करना है कि वर्ण क्रमानुसार ये शब्द लिखना है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, मन, बाद, ईश, आम, खाना, जल। तो इसे क्या करना है कि वर्ण क्रमानुसार हमें इसे रखना है। जैसे कि पहला शब्द क्या आता है, आम, उसके बाद वर्ण क्रमानुसार ईश, जैसे कि स्वर में देखो अ से आह तक स्वर आते हैं, अ आ ई ई ई, तो अ के बाद आ, यहाँ आ गया है, तो पहला अक्षर हम पहला शब्द हमारा आएगा आम, ईश, उसके बाद खाना, उसके बाद आ गया जल, उसके बाद और मन, छः है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये क्या है बच्चों, वर्ण क्रमानुसार हमने ये शब्द लिखे हैं। ओके, तो समझ में आ गया बच्चों, जोड़ाक्षर तीन, जोड़ाक्षर अभ्यास तीन और जोड़ाक्षर अभ्यास चार। जोड़ाक्षर अभ्यास तीन में हमने रेफ के शब्द देखे, जोड़ाक्षर चार में पदेन के अक्षर देखे, शब्द देखे। तो ये पाठ पढ़कर, दोनों पाठ पढ़कर इसके प्रश्न और उत्तर और एक बार पढ़ना है बच्चों। ओके, ठीक है, ओके। तो आज का क्लास हम यहाँ ख़त्म करते हैं। थैंक यू।